भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शुक्रवार को इस्माइलपुर और गोपालपुर प्रखंड के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और तटबंध मरम्मती के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा भी की। वहीं जिलाधिकारी ने गोपालपुर के महिपाल उच्च बुनियादी विद्यालय तीनटंगा का भी दौरा किया, जहां सामुदायिक किचन और बाढ़ आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने राहत कार्यों की गुणवत्ता की जांच की और वहां उपस्थित स्थानीय लोगों से फीडबैक भी लिया। साथ ही डीएम ने स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली, जिसके बाद शिविर के स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि अधिकांश लोग पानी से संपर्क में आने के कारण पैरों में संक्रमण और बुखार की समस्या से ग्रसित हैं। इसके बाद जिलाधिकारी ने इस्माइलपुर के बिंदटोली के समीप चल रहे तटबंध सुरक्षा कार्य का भी निरीक्षण किया और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने मोटर बोट से पानी से घिरे गांव का भी मुआयना किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार, अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया उत्तम कुमार, गोपालपुर बीडीओ सहित अन्य स्थानीय अधिकारी भी उपस्थित थे। कितने लोग मेडिसिन लगा रहे हैं? हम लोग लगभग 22 तारीख को भी अंठानवे लोग और 23 तारीख को भी आपका 245 सबसे ज्यादा इसी के लिए आते हैं और फंगल इन्फेक्शन और उसका दवा मस्त इंस्टॉल करना है। सर्दी खांसी बुखार सारा कंटेन आप रखें, मेट्रो जो रखे ही हैं। लोगों को बताना है कि पानी उबाल के उबाल के ठंडा करके पानी। रक्षाबंधन के दूसरे दिन अपनी बहन के घर से राखी बंधवाकर लौट रहे एक युवक के साथ पुलिस द्वारा मारपीट और लूटपाट की घटना सामने आई है। घटना कहलगांव के अंतिचक थाना क्षेत्र के रहने वाले कन्हैया तांती के साथ घटी है, जब वह कहलगांव थाना क्षेत्र से गुजर रहा था। कन्हैया ने बताया कि पुलिस ने उसे रास्ते में रोका और उसका बैग चेक किया। बैग में 3,000 रुपये नगद रखे थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। जब कन्हैया ने पुलिस से अपने पैसे वापस मांगे तो उस पर शराब पीने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद कन्हैया ने अपनी सफाई में कहा कि वह शराब नहीं पीता है और पुलिस से जांच करवाने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कर्मियों और थाने के गाड़ी चालक ने उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद कन्हैया ने किसी तरह अपने भाई को फोन किया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस ने कन्हैया को कहलगांव रेफरल अस्पताल भेजा, लेकिन वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। इस घटना से निराश होकर कन्हैया अपने परिजनों के साथ शुक्रवार को वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचा, जहां मामले की जांच की जा रही है और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं अपनी बहन के यहाँ बाराहाट गया हुआ था, मैं वहाँ से वापस लौट रहा था, तभी नंदलालपुर से पार करने के बाद 4 लाइन पे जब मैं चढ़ा तो मुझे कहलगांव थाना के कुछ सिपाही द्वारा रोका गया और मेरे बैग को चेक किया गया। बैग चेक करने के बाद दारू पीने का आरोप लगाया गया और मेरे बैग में कुछ रुपया था, वो चेक करने के क्रम में निकाल लिया। मुझे कुछ मारपीट भी किया गया और गाली गलौज करने के बाद ड्राइवर के द्वारा मारपीट किया गया और गाली गलौज करके जब मैं गार्जियन को फ़ोन करने के बाद कहा कि बात कीजिए तो थाना के कोई भी स्टाफ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी किसी तरह मैं घर फ़ोन किया, घर फ़ोन करने के बाद वहां से घर वाले आए, तब फिर मुझे छोड़ा गया। मैं तब पैसा ले लिया जी, मेरा पैसा जी मारपीट किया। कितना पैसा था? 3,000 रुपया था। अभी आप कहाँ आए? हम एसपी सर के यहाँ आए हुए हैं एप्लीकेशन देने के लिए। इसी क्रम में लोकल थाना गए थे जी? लोकल थाना गए थे। लोकल थाना मुझे रात में तुरंत भेजे सदर अपना अस्पताल कहलगांव। मैं वहाँ भी गया, जब 1 बजे पहुँचा तो डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने बोला सवेरे आइए। मैं सवेरे जब फिर वहाँ जाकर बोला
अंतिजक थाना में कि डॉक्टर नहीं थे, मैं गया वहाँ तो मुझे फिर से जा कर के बोला कि आप लोग कुछ बड़े अधिकारी के पास जाइए, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। कहाँ के रहने वाले? अंतिचक ग्राम। नवगछिया इस्माइलपुर प्रखंड के बिंदटोली में तटबंध के कटाव स्थल की मरम्मति का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तटबंध में हो रहे पानी के बहाव पर लगभग काबू पा लिया गया है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद मिली है। गोपालपुर के महिपाल राजकीय उच्च बुनियादी विद्यालय तीनटंगा, गोपालपुर, जगदम्बा कन्या विद्यालय और सैदपुर में सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जहां विस्थापित लोगों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही पशु आश्रय स्थल और चिकित्सा शिविर भी सक्रिय रूप से कार्यरत है, जिससे प्रभावित लोगों और उनके पशुओं को राहत मिल रही है। वहीं पशुपालकों के लिए पर्याप्त मात्रा में पशु चारा का वितरण भी किया जा रहा है, ताकि उनके पशुओं के लिए भोजन की कमी ना हो। इसके अलावा विस्थापित परिवारों के बीच पॉलिथीन सीट का भी वितरण किया गया, जिससे वो स्थायी आश्रय बना सके। जिलाधिकारी के इस प्रयास से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाई जा रही है और प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत भूमिहीनों और कटाव विस्थापितों की 7 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले ने कहलगांव में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रखंड सचिव महेश प्रसाद यादव और जिला कमेटी सदस्य रणधीर यादव के नेतृत्व में गांगुली पार्क से जुलूस निकाला गया, जो प्रखंड कार्यालय पहुंचकर धरने में तब्दील हो गया। वहीं धरने को संबोधित करते हुए महेश प्रसाद यादव ने कहा कि जातीय आधारित सामाजिक आर्थिक गणना के अनुसार बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय मात्र 6,000 रुपया है। इन परिवारों को लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए, भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल बास भूमि और पक्का मकान देने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी। भाकपा माले ने इस अभियान के माध्यम से सरकार को वादे निभाने के लिए मजबूर कर रही है और गरीबों के हक के लिए संघर्ष जारी रखेगी। वहीं रणबीर यादव ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं पर प्रीपेड मीटर लगाने का दबाव बनाया जा रहा है, जो गलत है और इस पर बिहार सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रानी दियारा, 58 तौफिल और टपुआ जैसे गांव के कटाव विस्थापित परिवारों को 10 दिनों के भीतर पुनर्वास नहीं किया गया तो भाकपा माले अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू करेगी। जिसके बाद धरने में जिला कमेटी सदस्य मनोरमा देवी, प्रखंड कमेटी सदस्य अर्जुन प्रसाद ठाकुर, विनय यादव, मृत्युंजय कापरी, घनश्याम मंडल सहित कई नेता शामिल थे। धरने के अंत में शिष्टमंडल ने अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात कर मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।